भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। 14 अप्रैल की सुबह मोदी जी ने किया देश को संबोधित। ये था उनका तीसरा संबोधन कोरोना वायरस के संबंध में, पर आज तक नहीं मिले हैं देश को कुछ अत्यंत जरूरी सवालों के जवाब। आज तक नहीं पता है देश को कि कैसे हम लड़ने वाले हैं ना केवल कोविड-19 से, पर उससे उभरती आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से। कोविड-19 से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इसकी टेस्टिंग, पर देश में आज तक हुए हैं केवल 14,376 टेस्ट। कोरोना के टेस्ट को बढ़ाने की क्या योजना है? कोरोना वायरस से लड़ते भारत के फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे ज्यादा जरूरी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की। पर्याप्त PPEs कब होंगे उपलब्ध? पलायन कर चुके करोड़ों मजदूर आज रोजगार और रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? लाखों एकड़ गेहूं राबी की फसलें कटाई के लिए तैयार है, पर देश के अन्नदाता को इसको लेकर अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। समय पर फसलों की कटाई और उनकी MSP पर खरीद क्या सरकार करेगी सुनिश्चित? कोरोना के पहले से ही थी देश में बेरोजगारी की मार, पर अब स्थितियां और भी खराब होती जा रही है। सरकार बेरोजगारी से लड़ने के लिए क्या कदम उठा रही है? कहां है आपकी कोविड-19 इकोनॉमिक रिकवरी टास्क फोर्स? कोरोना वायरस से चौपट हो रहा देश का लघु और मध्यम उद्योग। सरकार दुकानदार, लघु और मध्यम उद्योग को वापस पटरी पर लाने व आर्थिक मदद के बारे में क्या कर रही है? अलग अलग देशों ने कोरोना वायरस से चौपट हुई अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए अनाउंस किए हैं लाखों अरबों के आर्थिक पैकेज, पर भारत में ये पैकेज है सेंट्रल विस्ता के बजट से भी कम। क्यों मोदी सरकार नहीं कर रही जरूरतमंदों की ठीक से आर्थिक सहायता? मोदी जी, आज देश मांग रहा है आपसे इन 7 सीधे सवालों के सीधे जवाब। हमें आशा है कि आप हमेशा की तरह एक बार फिर देश को निराश नहीं करेंगे।